आमची मुंबई किन छह खिलाड़ियों को रिटेन करेगी? क्या रोहित शर्मा रिटेन होंगे? क्योंकि मुंबई इंडियंस तो जरूर रोहित शर्मा को रिटेन कराना चाहेगी, परंतु क्या रोहित शर्मा चाहते हैं रिटेन होना? क्योंकि जो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि रोहित शर्मा लखनऊ सुपर जायंट्स या पंजाब किंग्स की टीम भी ज्वाइन कर सकते हैं, सूर्य कुमार यादव भी अनहैप्पी है मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम से, मुंबई इंडियंस के माहौल से, तो रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव दोनों ही मुंबई इंडियंस का दामन छोड़ना चाहते हैं और एक नई टीम का दामन थामना चाहते हैं। सूर्य कुमार यादव जो टीम इंडिया के कप्तान बन चुके, क्या मुंबई उन्हें जाने देगी? क्या मुंबई उनको लालच देगी कि सूर्य कुमार यादव भाई साहब आप कप्तान बन जाइए और आप रिटेन होइए? क्योंकि सूर्य कुमार यादव रिटेन होंगे ना तो रोहित शर्मा को भी कन्विंस कर लेंगे कि आप भी रिटेन हो जाइए, क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, तिलक वर्मा, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, नेहल वडेरा, टिम डेविड, आकाश मडवाल, हार्दिक पांड्या, ये खिलाड़ी है जिनमें से छः खिलाड़ियों को मुंबई इंडियंस को रिटेन करना है। रिटेंशन की पॉलिसी आपको पता ही है, मैक्सिमम छः खिलाड़ी रिटेन हो सकते हैं जिसमें से एक अनकेप्ड खिलाड़ी का होना जरूरी है और पांच खिलाड़ी बाकी रिटेन हो सकते हैं, जिसमें इंडियन और ओवरसीज पे कोई लिमिट नहीं है। या तो आप चार खिलाड़ी रिटेन कर लो, दो पे RTM यूज कर लो, तो मुंबई इंडियंस की जो फर्स्ट पिक होगी ना वो हार्दिक पांड्या ही होने वाली है। परंतु क्या हार्दिक पांड्या को फर्स्ट पिक रख के 18 करोड़ रुपए दिया जाए और फर्स्ट रिटेंशन के रूप में हार्दिक पांड्या को रिटेन किया जाए तो क्या सूर्य कुमार यादव मान जाएंगे? क्या सूर्य कुमार यादव सेकंड रिटेंशन के रूप में राजी हो जाएंगे? क्योंकि जो 18 करोड़ रुपए में दो खिलाड़ी रिटेन हो सकते हैं, जिसमें एक खिलाड़ी तो जसप्रीत बुमराह है जिसको आप जरूर 18 करोड़ रुपए में रिटेन करना चाहोगे, तो सूर्य कुमार और यादव को अगर रोकना है तो उन्हें फर्स्ट रिटेंशन के रूप में मुंबई इंडियंस को पिक करना ही होगा। इसलिए मुंबई इंडियंस की जो फर्स्ट रिटेंशन होने वाली है ना वो हार्दिक पांड्या नहीं, वो होंगे सूर्य कुमार यादव 18 करोड़ रुपए में, अगर रोहित शर्मा को रोकना है। और सूर्य कुमार यादव को मुंबई इंडियंस IPL 2025 में कप्तान भी बना सकती है। सेकंड रिटेंशन के रूप में रिटेन होंगे हार्दिक पांड्या 14 करोड़ रुपए में। क्या हार्दिक पांड्या 14 करोड़ रुपए में रिटेन होने के लिए एग्री हो जाएंगे? हार्दिक पांड्या IPL 2024 से पहले रिपोर्ट्स के अनुसार 100 करोड़ रुपए में ट्रांसफर होके आए थे और हार्दिक पांड्या कप्तान भी बनना चाहते थे। इसी एग्रीमेंट पे उन्होंने गुजरात टाइटंस का दामन छोड़ के मुंबई इंडियंस का दामन थामा था, तो वो क्या एग्री हो जाएंगे कि 14 करोड़ रुपए में मैं रिटेन हो जाऊंगा या अंडर द टेबल कुछ दिया जाएगा? क्योंकि 14 करोड़ रुपए में तो हार्दिक पांड्या एग्री नहीं होंगे। 18 करोड़ रुपए में अगर आप सूर्य कुमार यादव को रिटेन नहीं करते हो तो वो मुंबई इंडियंस का दामन छोड़ देंगे, और सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस का दामन छोड़ते हैं तो फिर रोहित शर्मा भी मुंबई इंडियंस का दामन छोड़ते हैं, तो मुंबई इंडियंस का तो हाल बेहाल होने वाला है। इसीलिए फर्स्ट पिक के रूप में सूर्य कुमार यादव को रखिए, सेकंड रिटेंशन के रूप में हार्दिक पांड्या को कन्विंस करिए, और सेकंड रिटेंशन के रूप में 14 करोड़ रुपए में। थर्ड रिटेंशन ईशान किशन 11 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियंस रिटेन करेगी। एक तो विकेट कीपर बल्लेबाज है, ओपनिंग भी कर सकते हैं, और IPL 2024 तो फ्लॉप रहा था, परंतु उसके बाद बुच्ची बाबू टूर्नामेंट में शतक लगाया है, दिलीप ट्रॉफी में शतक लगाया, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ रन बना रहे हैं, और आपने 16 करोड़ रुपए IPL 2022 के मेगा ऑक्शन में ईशान किशन पे खर्च किए थे, तो एक यंग खिलाड़ी उभरता हुआ विकेटकीपर बैट्समैन है, 7 से 8 साल दे सकता है। ऐसे खिलाड़ी को मुंबई ने छोड़ती नहीं, यंग खिलाड़ी पे पूरा भरोसा रखती है, जैसे हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह इनको ग्रूम किया, वैसे ईशान किशन पे भी पूरा भरोसा रखेगी। फोर्थ रिटेंशन के रूप में जसप्रीत बुमराह 18 करोड़ में। बुमराह भाई साहब डिजर्व करते हैं, 6.41 की इकोनमी थी IPL 2024 में। मुंबई इंडियंस के मोस्ट सक्सेसफुल गेंदबाज, ये IPL के मोस्ट सक्सेसफुल गेंदबाज है IPL 2024 में, जहां पे 250-250 रन मजाक में बन रहे थे ना, वहां पे जसप्रीत बुमराह 6.41 की इकोनमी बरकरार रखते हैं, तो सल्यूट है बुमराह को। इसीलिए बुमराह या तो फर्स्ट रिटेंशन के रूप में बुमराह को रिटेन करो 18 करोड़ रुपए में, या फोर्थ रिटेंशन के रूप में बुमराह को रिटेन करो 18 करोड़ रुपए में। 18 करोड़ से नीचे बुमराह डिजर्व ही नहीं करते, मैं तो बोल रहा हूँ 18 करोड़ नहीं 25 करोड़ रुपए दो बुमराह को, क्योंकि बुमराह उस लायक खिलाड़ी है। अब रब कप्तान रोहित शर्मा, जो पांचवा रिटेंशन होगा ना वो होंगे कप्तान। T20 क्रिकेट से तो रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं, पर T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया को जिताए, वापस से मुंबई इंडियंस के कप्तान तो नहीं बनेंगे। रोहित शर्मा को रिटेन करने की मुंबई इंडियंस पुरजोर कोशिश करेगी, क्योंकि रोहित शर्मा का जाने का मतलब है एक तो ब्रांड वैल्यू में भी गिरावट आना, फिर आपको ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए 2-3 साल का समय लगेगा वापस से वो ब्रांड वैल्यू खड़ी करने के लिए। क्योंकि जो रोहित शर्मा वाला विवाद हुआ था, सोशल मीडिया पर फैन बेस की गिरावट आई थी, मुंबई इंडियंस से लोग हेट करने लग गए थे, हार्दिक पांड्या को भी बू करने लग गए थे, इसलिए रोहित शर्मा को रिटेन करना होगा। सूर्य कुमार यादव को आपने रिटेन करके अगर कप्तान बना दिया तो सूर्य कुमार यादव कन्विंस कर लेंगे रोहित शर्मा को, और वो फिफ्थ रिटेंशन के रूप में 14 करोड़ रुपए में रिटेन हो जाएंगे। सिक्स्थ रिटेंशन कौन होगा? एक अनकेप्ड खिलाड़ी, नेहल वडेरा, आकाश मडवाल, तिलक वर्मा को रिटेन नहीं कर सकते क्योंकि वो कैप्ड खिलाड़ी हो चुके हैं, तो उन्हें ऑक्शन में जाने ही देना होगा, वापस से ऑक्शन में पिक करना होगा। पीयूष चावला,
पिछले 2-3 सालों में मुंबई इंडियंस के पास अगर स्पिनर्स की कमी रही है ना, उस स्पिनर्स की कमी को जिसने दूर किया है वो पीयूष चावला। पीयूष चावला भी अनकैप्ड खिलाड़ी हो चुके हैं, तो नेहल वडेरा, आकाश मडवाल, नमन धीर, अर्जुन तेंदुलकर का भी ऑप्शन है, और पीयूष चावला, ये 5 खिलाड़ी है जिनमें से एक अनकैप्ड खिलाड़ी को पिक करना है। मेरे हिसाब से पीयूष चावला को रिटेन नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि और अच्छा लेग स्पिनर आपको ऑप्शन के टेबल पर मिल जाए। इसके अलावा तिलक वर्मा वैसे रिटेन नहीं हो सकते क्योंकि कैप्ड खिलाड़ी है, तो नेहल वडेरा और आकाश मडवाल में से किसी एक को पिक करना होगा। नेहल वडेरा बल्लेबाजी में आपको स्ट्रेंथ देते हैं, तो आकाश मडवाल गेंदबाजी में आपको स्ट्रेंथ देते हैं। बल्लेबाज आपके पास रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या भरे पड़े। आकाश मडवाल जसप्रीत बुमराह के साथ एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। हार्दिक पांड्या ने उतना भरोसा नहीं दिखाया, उतना बेस्ट नहीं निकलवाया आईपीएल 2024 में, जो आईपीएल 2023 में रोहित शर्मा ने निकलवाया था। इसीलिए मेरा मानना है कि एज ए गेंदबाज आकाश मडवाल को रिटेन करना चाहिए 4 करोड़ रुपए में एज ए 6 रिटेंशन। तो ये मुंबई इंडियंस के 6 रिटेंशन होंगे। आपके हिसाब से किन 6 खिलाड़ियों को मुंबई इंडियंस रिटेन करेगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।